Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की आनंदाश्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचार में कहीं को न कर आप पौधों का नाम सुधारे गुरु मन और शरण श्री राधा कृष्ण वंदे श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहम हरि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम विद्यो वेदांत कृत वेद देव चाहम हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर ऑफ डिवोशन। मेरा आवाज क्लियर है ना? यस प्रभु जी क्लियर है। या थैंक यू। मैं शेयर करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय चैप्टर नंबर 4 भक्ति मुक्ति से परे है डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। तो इसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि कैसे भक्ति जो है सारे प्रकार के मुक्तियों से परे है। तो यहाँ पे अब पद्म पुराण का एक स्टेटमेंट है जिसमें ये वर्णन किया है कि जो नियम है सारे खास करके इस कार्तिक महीने के दौरान उसका वर्णन किया गया। इस महीने में वृंदावन में ये एक नियम है कि रोज भगवान कृष्ण की प्रार्थना की जाती है उनके दामोदर के रूप में। दामोदर रूप भगवान कृष्ण के बचपन का रूप है जब यशोदा मैया ने उनको रस्सी से बांधा था। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो मैया यशोदा जब भगवान कृष्ण बहुत ही मस्ती कर रहे थे उनको पेट से उनको रस्सी से बांध दिया था और इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ेगा। कार्तिक महीने के दौरान दामोदर की इस प्रकार से प्रार्थना होती है। क्या कहते हैं? हे प्रिय भगवान आप भगवान हो सारे वर देने वाले हो। बहुत सारी देवी देवता हैं जैसे ब्रह्मा जी शिव जी हैं जो कभी कभी वरदान देते हैं अपने भक्तों को। जैसे उदाहरण के तौर पर रावण उसको भगवान शिव जी से बहुत सारा वर प्राप्त था और हिरण्यकशिपु जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त था। लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा भी जो है भगवान कृष्ण से के ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहते हैं ये वर देने के लिए और इसलिए भगवान कृष्ण को सारे वर देने वाले भगवान कहा गया है। As such लॉर्ड कृष्णा अगर देखें तो भगवान कृष्णा सभी प्रकार के वर दे सकते हैं जो भी चाहिए वो वर दे सकते हैं। बट स्टिल फिर भी भगवान के भक्त जो प्रार्थना करते हैं आई डू नॉट आस्क यू फॉर लिबरेशन मैं तुमसे मुक्ति नहीं चाहता ना ही कोई मुझे भौतिक ऐश्वर्य चाहिए इवन मुक्ति तक। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपका ये जो बाल स्वरूप दामोदर का रूप है ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। आप इतने सुंदर और इतने आकर्षक हो कि मेरा मन इस सुंदर रूप के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता। वरम देव मोक्षम वधिम्बा
न चान्यम वृणे हम वरेषदपि हा, मुझे और भी कोई भी वर नहीं चाहिए। तो ये जो प्रेयर है उसका वर्णन किया गया है। एंड वी आर फॉर्चुनेटली दामोदर मंथ कार्तिक मंथ, और हम लोग वही दामोदर का जो स्टैंजा है वो पढ़ रहे हैं। इसी प्रार्थना में अगर हम लोग देखते हैं, इसी प्रार्थना में एक दूसरा और एक पैसेज आता है जिसमें कहा गया है, प्रिय भगवान दामोदर, आप एक बार बहुत नटखट पना करते हुए आप नंद महाराज के घर में खेल रहे थे। आपने मक्खन का दही का जो था वो मटका फोड़ दिया, और इसकी वजह से यशोदा मैया ने तुम्हें अपराधी समझकर रस्सी से उखल से बांध दिया था। उस समय आपने दो पुत्रों को नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के ये जो दो पुत्र हैं उनका उद्धार किया, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष के रूप में रह रहे थे। मेरा यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके अपना लीला करके इसी प्रकार से मेरा भी उद्धार करें। तो हम लोग देखते हैं कैसे जब भगवान को बांधा था दामोदर का जो लीला हुआ था, उसमें नलकुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर जी के दो पुत्र हैं उनको श्राप मिला था, और वो कई हजारों वर्षों से अर्जुन के वृक्ष के रूप में वो नंद महाराज के आंगन में थे वहां पर। तो यहाँ पे यही प्रार्थना किया, जैसे आपने उनका उद्धार किया है कि आप भी कृपा करके ऐसे ही लीला करके मेरा भी उद्धार करें। फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द स्टोरी बिहाइंड दिस वर्स, तो इसका जो कथा है इस श्लोक के पीछे ये है कि कुबेर जी के दो पुत्र थे। कुबेर जी धन के देवता हैं, प्रजर्व हैं, और ये दोनों बहुत ही अहंकार से फूल गए थे क्योंकि उनके पिता के पास बहुत ऐश्वर्य था। और एक बार एक किसी हेवनली प्लैनेट यानी स्वर्गीय लोक में वो किसी सरोवर के तट पे किसी बहुत सारी कन्याओं के साथ नग्न अवस्था में वहां पे विचरण कर रहे थे। उस समय नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने जब उन दो पुत्रों को देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। तो नारद मुनि को जाते हुए देखे तो सारे जो स्त्रियां थी उन्होंने अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये जो दो पुत्र थे नलकुबेर और मणिग्रीव ये इतने नशे में धुत थे कि उनको मतलब यहाँ तक भी ये नहीं था कि हमको अपने आप को ढक लेना चाहिए। हम लोग अपने इंडियन कल्चर, हमारे वैदिक कल्चर में हम लोग कभी अपने बड़ों के सामने हम लोग ऐसे अधूरे अवस्था में या नग्न अवस्था में नहीं जाते। इवन नग्न अवस्था तो दूर की बात है, इवन ऐसा शॉर्ट्स है या जस्ट मतलब खाली शॉर्ट पहना है या बनियन पहना है, तो हम ऐसी अवस्था में भगवान के सामने नहीं जाते हम लोग। और इसीलिए हम मंदिर में जाए तो इसी टेम्पल में जब जाते हैं तो पूरा इवन साउथ में तो पूरा लंबा धोती पहन के जाना पड़ता है, पूरा कवर करके जाना पड़ता है। तो नारद मुनि जी महान संत थे और बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान के ही एक अवतार हैं। तो जब उन्होंने देखा नारद मुनि आ रहे हैं तो उनको अपने आप को कवर कर लेना चाहिए था, जैसे ये स्त्रियों ने किया, लेकिन उनको अपने क्या कहते हैं अपने ऐश्वर्य का घमंड हो गया था, और इसकी वजह से वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वैसे ही नग्न खड़े रहे। तो इस बात से नारद मुनि जी गुस्सा हुए उनका ये बर्ताव देखकर, और उन्होंने उनको श्राप दिया, तुम्हें कुछ भी बुद्धि नहीं रहेगी, कुछ भी चेतना नहीं रहेगी, तो यही अच्छा होगा कि तुम दोनों वृक्ष बनकर रहो। हम लोग जानते हैं वृक्ष जो है वो कोई
पैंट ये शर्ट धोती कुर्ता कुछ नहीं पहनते, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, तो तुमको नग्न रहना अच्छा लगता है? तो बोलते ठीक है, मैं श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष बन के रहो। तो ये जब उन्होंने सुना उन लड़कों ने, तो उनकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई और उन्होंने नारद मुनि से तब क्षमा मांगी कि हे नारद मुनि, हमसे अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा कर दें। तब नारद मुनि जी ने कहा ठीक है, तुम लोग वृक्ष बनोगे, अर्जुन के पेड़ बनोगे, लेकिन तुम नंद महाराज के आंगन में रहोगे, और जब भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होंगे तो उनका पुत्र बनकर तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नारद मुनि जी का ये श्राप भी उन दो पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ ये कहा गया है कि आपको भगवान श्री कृष्ण का फेवर यानी उनका कृपा प्राप्त होगा, और उसके पश्चात कुबेर जी के ये दो पुत्र वहां पे उस आंगन में अर्जुन के पेड़ बन के रहे जब तक भगवान दामोदर नहीं आए, और उनका नारद मुनि जी का ये जो इच्छा है वो पूरा कर दिया। वो जिस उखल से बांधा था उसको खींचते घसीटते घसीटते वो दोनों के पेड़ के बीच में से निकले, लेकिन वो जो उखल था वो वहां पे दोनों पेड़ के बीच में अटक गया, और जब उन्होंने खींचा तो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए और काफी बड़ा हंगामा हुआ। और फिर जब ये पेड़ गिरे तो इसमें से नल कुबेर और मणिग्रीव इसमें से निकले, और तब तक ये जो दोनों थे भगवान के बड़े भक्त बन चुके थे। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव का यहाँ पे पास टाइम है। तो बिफोर वी गो अहेड, अगर कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स कुछ एडिशनल पॉइंट्स है रियलाइजेशन को ले सकते हैं। हरे कृष्णा। If nothing, ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे आगे कहा गया है हरि शीर्ष पंचरात्र में एक पैसेज आता है जहाँ पे कहा गया है, हे प्रिय भगवान, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए। जो भी मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए, ना ही मुझे अर्थ की कामना है, नहीं मुझे इंद्र तृप्ति की कामना है, ना मुझे मुक्ति की कामना है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका शाश्वत नित्य दास बन के आपके चरणों में रहूं। तो आप कृपा करके मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं। ये हरि शीर्ष पंचरात्र में ये एक श्लोक आता है। उसी हरि शीर्ष पंचरात्र में जब भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को वर दिया, प्रहलाद महाराज ने समय कोई भी वर लेने से मना कर दिया, और सिर्फ भगवान से एक ही उन्होंने कृपा मांगा कि मैं हमेशा आपका भक्त बन के रहूं। इसमें प्रहलाद महाराज हनुमान जी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र के नित्य दास हैं, और उन्होंने अपने उदाहरण से बताया कि कभी भी कोई भौतिक वर नहीं मांगना चाहिए, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहे, और यही हनुमान जी का आइडियल कैरेक्टर है और जिसके लिए उनकी हमेशा पूजा की जाती है भक्तों के द्वारा। प्रहलाद महाराज उन्होंने भी भगवान उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया, और एक बहुत ही फेमस श्लोक है जो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रिय भगवान, अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मुक्ति इस भौतिक संसार से, या मुझे मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, नहीं मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें हमारे बीच जो नाता है, जो रिश्ता है, वो कम हो जाए। आप मेरे मालिक हो और मैं आपका दास हूँ,
और मुक्ति के बाद में भी ऐसे ही ये बना रहे। तो इवन हनुमान जी जो हैं वो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं हमेशा नित्य आपका शाश्वत दास बना हूं। तो दिस इज अ मूड ऑफ ए डिवोटी, एक जो शुद्ध भक्त है इसका हमेशा यही एक मूड रहता है, एटीट्यूड रहता है कि मैं हमेशा भगवान का दास बन के रहूं। आगे नारद पंचरात्र में एक पैसेज आता है जिसमें कहा गया है, प्रिय भगवान मैं किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहता, ना ही कोई नियमों का पालन करके या आर्थिक प्रगति करके, ना ही कोई मेरी इंद्र तृप्ति की कामना है ना मुक्ति की कामना। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में रखे, अंडर योर लोटस, आपके चरणों के नीचे रखे। मुझे किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, सच ए सालोक्य टू रिसाइड ऑन योर प्लेनेट, और सारूप्य टू हैव सेम बॉडीली फीचर्स। आई सिंपली प्रे फॉर योर फेवर दैट आई मे बी ऑलवेज एंगेज इन योर लविंग सर्विस। तो मुझे किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, ना सालोक्य ना सारूप्य, मैं सिर्फ हमेशा आपके सेवा में रहूं, यही मुझे प्रार्थना है। आई जस्ट रिमेम्बर, मुझे याद है अपर्णा माता जी आपने कहा था वो पांच प्रकार का मुक्ति, उस नाम के साथ में मैं अभी ये पढ़ा तो मुझे याद है, फॉरगॉटन कम्प्लीटली। तो अभी क्लास खत्म होते ही मैं आपको वो भेज देता हूँ। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। अभी वो पढ़ा था तो याद आ गया, मैं ऑफिस में बिजी था तो समहाउ आई फॉरगॉट। ओके, तो ये पांच प्रकार की मुक्ति है। तो भगवान के भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते, उनको बस भगवान का सेवा चाहिए। और हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी यही कामना करते हैं, वो भी एक भक्त भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आते हैं और यही हमको बताते हैं कि भक्त का क्या इच्छा होना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहितुकी, तो मैं आपका जन्म जन्मांत तक आपका दास बन के रहूं। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय नंबर 14 से पांचवें श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से ये प्रश्न करते हैं, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं ये समझता हूँ कि जो वृत्रासुर राक्षस था वो बहुत ही पापी था एंड that his mentality was completely absorbed in the modes of passion and ignorance, और उसका जो मति था वो पूर्ण रूप से रजोगुण और तमोगुण में लिप्त था। तो ये कैसे हो गया कि उसको इतना अच्छा सिद्धि प्राप्त हो गया भक्ति का नारायण के प्रति, ये कैसे हो गया? मैंने सुना है कि काफी बड़े बड़े महापुरुष भी जिन्होंने बहुत तपस्या की है, जो मुक्त हैं, जिनको पूरा ज्ञान है, वो भी भक्त बनने का प्रयास करते हैं, मतलब स्ट्राइविंग भगवान का भक्त बनने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो वृत्रासुर जैसा राक्षस जो तमोगुण में रजोगुण में लेते था, वो भगवान नारायण का इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया? तो ये समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही दुर्लभ है और ऐसे कभी देखा नहीं जाता। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्रासुर जो है वो भगवान का भक्त बन गया। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से छठे स्कंद में इनसे प्रश्न करते हैं, तब वृत्रासुर का आगे संवाद, वृत्रासुर का कथा आता है, वो हम लोग जब छठे स्कंद में हम लोग हैं आगे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। ओके, आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई एडिशनल क्वेश्चन कमेंट्स कुछ है तो ले सकते हैं। यस माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यू नो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट यू नो प्रभुपाद जी एंड रूप गोस्वामी आर सेइंग इज दैट डिवोशनल सर्विस
इज अबव एवरीथिंग एंड मुक्ति से भी आगे है. मुझे मोस्ट ऑफ द वर्सेस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज अल्टीमेट उसका कंक्लूजन ये है कि द डिवोटीज आर आस्किंग फॉर सर्विस, यू नो, सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट मुक्ति. सो उस कनेक्शन में द कुबेर एंड मणिग्रीव एंड मणि कुबेर का रेफरेंस, दैट इज नल कुबेर एंड मणिग्रीव का रेफरेंस यहाँ, व्हाट इज द कनेक्शन प्रभु जी? Because ultimately they ended up getting mukti, right? No, they didn't get mukti. They became devotees of Lord and they were freed from that trees. वो उस जो श्राप था उस श्राप से मुक्त हो गए. हम लोग जब आगे भागवतम देखेंगे हम लोग तो actually there मतलब काफी बड़ा उनका prayers है उनका. I think is a whole chapter. They just keep on praying. Oh my Lord, you are this. Oh my Lord, you are that. मतलब बहुत बड़ा prayer है उनका वो. So they became devotees and they became freed from that curse. So यहाँ पे if you see ये जो है श्री प्रभुपाद या श्री रूप गोस्वामी जी क्यों quote कर रहे हैं कि कभी कभी भगवान के भक्त का श्राप भी जो है वो वरदान बन जाता है किसी के लिए. And that too, Nalkuver and Manigriv, they were in such a fallen state. They were behaving like animals. Sharab peeke, matlab nagna striyon ke saath mein pure nagna avastha mein the. They were doing their business. And jab Narad Muni aaye, to unko thoda sa ye hona chahiye tha ki oh, he's a saintly person. We should cover ourselves. Pura nahi kiya. So in that state से वो एकदम zoop करके directly भगवान के भक्त बन गए just because of curse of Narad Muni. तो भगवान के भक्त का श्राप भी जो है ये वरदान के समान है. It's something something like that. It is मुक्ति नहीं मिला उनको. They became free from that curse and they became devotees of the Lord. Okay, so it re-emphasizes that a point that devotional service, the chapter ka heading then, that devotional service surpasses all kinds of liberation. Yeah, and even such souls can actually, become pure, pure devotees of the Lord. Okay, Prabhuji, God, thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Maharaj. Thank you for your nice observation. Hare Krishna. People have not yet joined. Okay, so I think we'll read one more small paragraph. Not a minute of devotion. Okay. Okay. तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं ये जो ऊपर वाला वर्स है यानी वही जो परीक्षित महाराज प्रत्रासुर के बारे में प्रश्न कर रहे हैं उस वर्स में उस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखने जैसा ये है कि बहुत सारे मुक्त व्यक्ति जो भगवान में लीन हो गए हैं उनको सहजे मुक्ति प्राप्त हुआ है लेकिन जो भक्त है भगवान का भक्त है वो बहुत ही दुर्लभ है और इवन आउट ऑफ मिलियंस ऑफ लिबरेटेड पर्संस ओनली वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू बिकम अ डिवोटी. तो ऐसे लाखों लाखों जो मुक्त व्यक्ति है मुक्त जीव है उनमें से कोई एक ही है जो ऐसा भाग्यशाली भगवान का भक्त बनता है. तो वृत्रासुर जो है वो इतना मतलब उसका स्तुति हो रहा है कि वो राक्षस होते हुए भी भगवान का भक्त बना. फिर श्रीमद् भागवतम ओके पीपल हैव जॉइन्ड ओके तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे विल स्टॉप हियर. श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इसको हम वृंद की जय. हरे कृष्णा.